"قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا". الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. محمد नबीना मोहम्मद يوم الدين ही بعد. तबीसानद्दीन निगरामी जादू और जिन्नात की हकीकत और इलाज के ताल्लुक से बात चल रही है गुजशतः कल हमने ये मालूम की कि जादूगर जिन्नात को कैसे हाजिर करते हैं और कैसे अपने काबू में अपने कंट्रोल में करते हैं और उनसे कैसे काम लेते हैं तो इल्म ने इस सिलसिले में कई एक तरीके बयान किए हैं कल हमने पहला एक तरीक़ा मालूम किए जिन्नात को हाजिर करने और मुसर करने ताबे करने के तरीक़ों में से दूसरा तरीक़ा है कि जादूगर कोई परिंदा या कोई कबूतर या कोई जानवर जैसे मुर्गी या बकरा जिन्नों की तरफ़ से बताई गई ख़ास शक्लो सूरत के मुताबिक मंगवाता है कि काला बकरा लेकर आओ काली मुर्गी लेकर आओ या ऐसे कबूतर लेकर आओ वो जिन्नात के सरदार जैसे बोलता है जादूगर उसी तरह का जानवर मंगवाता है और कहता है कि इस तरह के जानवर लेकर आओ वो जानवर लेके जाता है उस जानवर को उस जिन के सरदार के नाम पर या जिन्नात के नाम पर जबह कर दिया जाता है गैरुल्ला के नाम पर बा करना शिरक है अल्लाह के अलावा गैरुल्ला के नाम पर ब करना शिरक है अब अभी शिरक होते ही शैतान ख़ुश होता है शैतान का जो सरदार है जन्त का सरदार है वो खुश होता है खुश हो के आप उसकी मदद करता है उसकी मदद करता है और ये शर्त रखता कि जबा है कि ब करते वक्त बिस्मिल्ला नहीं बोलना जबा करते वक्त बिस्मिल्ला नहीं बोलना तो खुद ब खुद ये अब बिस्मिल्ला तो अल्लाह के नाम पर जबा हो रहा है अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है के नाम जब हो रहा है और फिर ये कहता कि देखो इसको ले जाके फुला कुएं में डाल दो ये जो कबूतर हैं इसका गोश्त इसका खून फुला जगह पर लेपो इस तरीके से जिन्नात को जैसे चाहिए वो अपने अपने एतबार से बताते जाते हैं और ये जाके उसे करते हैं या जिस किसी पुराने खंडरात में ले जाकर इसके गोश को दफन कर दो मुख्तलि तरह की चीजें बताकर शिर काम करा के शिरया तवीज़ कराकर उसमें पढ़ता है और पढ़ने के बाद अब जिन्नात खुश होते हैं अब इस जादूगर की मदद करने के लिए तैयार होता है वो आता है इस सिलसिले में देखिए सही मुसीम हदी से हजरत अली बिनी तालिब से मरवी है कि एक हदीस में आया कि रसोल्ला ने फरमाया अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जिसने गैरुल्ला के नाम पर ज़बा किया के नाम पर ज़बह करने वाले पर अल्लाह की लानत है अल्लाह नाराज होता है शैतान खुश होता है तीसरा तरीका यह तरीका जादूगरों में इंतहाई घटिया तरीका है सबसे घटिया तरीका है यह और इस तरीके को अपनाने से जिन्नात बहुत जल्द मदद करते हैं बहुत जल्द वो खुश होते हैं इस तरीके को अपनाने वाले जादूगर की खिदमत के लिए उसके अहकाम पर अमल करने के लिए शैतानों का बहुत बड़ा ग्रोह तैयार रहता है उसके पास मौजूद रहता है क्योंकि ऐसा जादूगर कुफुरहाद के अतबार से बहुत आगे बढ़ा हुआ होता है यानी कुफुरहाद के शिर के बहुत चोटी में पहुँच जाता है और ये बहुत बड़ा लानती काम है क्या करता है कि जादूगर गैर शरी काम करता और भी ऐसे गैर शरी काम है तो उस पर अल्लाह की बहुत सारी लानतें ऐसे जादूगर कुरान मजीद को जूतों में बांधता है कुरान मजीद को जूतों के नीचे बांधता है अपने कदमों तले बांध कर बैतुलखला जाते हैं जादूगर कुरान मजीद को जूते में बांध कर या अपने पैर के तले बांध कर या कुरानी आयतों को उसकी बेहरमती करके क्या करता है खला जाता है या कुरान के ऊपर पेशाब करता है ना नजारी अब ये कुफर में हद है या ये कहता है कि कुरान के जो आयतें हैं इनको उल्टा लिखो उल्टा लिखो तो माना बदल जाएगा उल्टा लिखने से माना बदल जाएगा अल्लाह जो तरतीब जिस एतबार से बोल रहा है उसके अलावा कुछ और हो जाएगा तो ये कलामुल्ला के साथ छेड़छाड़ है अब क्या होता है जो कि कुफर में हद से आगे बढ़ गया है शैतान खुश होता है शैतान खुश होके अब जादूगर की मदद करता है बता मैं क्या करना है मैं क्या करना उसकी ताबेदारी करता हूं उसकी फर्माबरदारी करता उसकी बात सुनता है चौथा तरीका मलओन जादूगर कुरान मजीद की किसी सूरत को खून से यसी नापाक चीज से लिखता है नापाक चीज से लिखता है और फिर जिन्नों के पास जाकर मंत्र तंत्र करके जिन्नों को खुश करता है अल्लाह नाराज होता है फिर जिन्नात उसकी मदद करते हैं पांचवा तरीका जादूगर कुरान मजीद के सूरतों को या आयतों को उल्टा करके फिर उसमें शिरकिया कुछ तावीजा करता है मुख्तलिफ तरह के अब देखे होंगे कि लकीर खींचता लाइन खींचते घर बनाता है खाना खाना बनाकर अजीब तरह की चीजें लिखते हैं लगता है कि अरबी लेकिन अरबी नहीं होती है यानी उल्टा सीधा कर देते हैं वो ऐसा करके शैतान खुश होता है एक छठा तरीका जादूगर एक खास सितारे के तुलो होने का इंतजार करता है ये नजोमियत की तरह है जादूगर एक खास सितारे के तुल् होने का इंतजार करता है जब ये तुलू हो जाता है तो जादूगर उससे मुखातिब होता है उस सितारे को बात करता वो कहता है फिर जादू वाले विरध पढ़ता है जादू जो तंत्र मंत्र है वो पढ़ते रहता है जिनमें कुफुर और शिरक मौजूद होता है फिर चंद ऐसी हरकतें करता है उसके ख्याल के मुताबिक इन हरकतों से इस सितारे की बरकत उस पर नाजिल होती है समझता है कि सितारा सब कुछ करेगा और आमतौर से आवाम में ये बात बहुत मशहूर है फुला का स्टार बड़ा अच्छा था हाँ बच गया उसका स्टार बड़ा अच्छा था उसका सितारा खराब चल रहा है ये शिर की बात है याद रखो सितारा स्टार में तासीर मानना कुफरिया और शिर किया काम है सही मुस्लिम की हदीस हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इक्राम के साथ सफर में थे एक जगह पर रात में पड़ाव डाले रात में एक सितारा निकला और अल्लाह की मर्जी से रात में बारिश भी हुई ज़माने जाहली से इनके पास ये तस्वुर था फुला सितारा अगर तुलु हो तो बारिश होगी उस दिन वो सितारा तुलु हुआ कुछ लोगों ने कहा मुतरना बी नो इकदा फुला सितारे के तुलु होने की वजह से हम पर बारिश बरसाई गई उस सितारे का कमाल है और जो पक्के सच्चे मोमिन थे उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह तला ने बारिश बरसाई है सुबह सवेरे अल्लाह ने नबी को बताया और अल्लाह ने कहा कि आज कुछ लोग सुबह सवेरे काफिर हो गए कुछ लोग मोमिन रहे जिन लोगों ने यह कहा कि फुला सितारे के तुलू होने की वजह से बारिश हुई वो काफिर हो गए हैं और जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बारिश बरसाई वो मोमिन रहे कितने मुसलमान हैं कहते आज घर से बाहर नहीं जाना क्यों महाफुला रात्रि है नाम लेना मुनासिब नहीं है हो सकता किसी को हट होगा महाफुला रात्रि है हा? आज अमावस से पूर्णिमा है बोलते नहीं बोलते मुसलमान खुद और बाकायदा वो कहते हैं कि आज फुला है आज फुला की तारीख आज आषाढ़ है फुला है तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा बिजनेस नहीं होगा मंगल के दिन कोई अच्छा काम नहीं करना है बिल्ली सामने से गुजर गई तो नहीं करना फाकता कबूतर ने वो बोल दिया चिपकली ने कह दिया तो ये होगा जानवरों में कुत्ते बिल्ली में तुम लोग ढूंढ रहे हो याद रखो ये सब बातें गलत हैं। फिर सितारे सैारे देखकर जो हाथ देखकर लकीरों को देखकर तकदीर बताते हैं कुफरिया काम है नबी ने फरमाया जो एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नजोमिया काहिन के पास चला गया उसके 40 दिन की इबादतें कबूल नहीं होगी चला गया तो कबूल नहीं होगी और अगर जाकर उसकी बातों की तस्दीक कर लिया नबी ने फरमाया उसने कुफुर किया है कुफुर किया है कितना कितना बड़ा गुना है कितने मुसलमान अब देखोगे हाँ तोता मैना लेके बैठा है अब उसके बाद ताश के पत्ते निकाल के तकदीर बताता है अरे इंसान तुम अशफफुल मखलूक हो तुम तोते मैने के पास जा रहे हो तुम्हारी तकदीर मालूम करने के लिए तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने तुम्हें अकल दिया शोर दिया है खुद वो एस्ट्रोलॉजर वो तोता मैना लेके बैठा रहता है कोने में दिन भर कोई कस्टमर उसको मिलता नहीं है अगर उसको तकदीर के बारे में पता है तोता मैना को पूछ ले कि भाई आज कौन सी गली में कौन से सड़क में कौन से पार्क के पास ज्यादा कस्टमर मिलेंगे बता मैं वहां चले जाता हूं उतनी भी मेहनत करने की क्या जरूरत है भाई घर बैठे बैठे तोते महीने को पूछ लो कि भाई कहां से कमाई के सोर्सेस हैं या किसी के पासवर्ड क्या है फला क्या है अकाउंट के डिटेल्स क्या है बता दो यहां से मैं सब निकाल देता हूं आज तो हैकर्स की कमी नहीं है याद रखो गायब का इल्म अगर अल्लाह ताला गैब का इल्म अगर अल्लाह ताला किसी और को देता सारे दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो गया होता दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो गया होता अगर गायब का इल्म अल्लाह ताला किसी को देता अल्लाह ने अपने पास रखा ये अल्लाह का करम है तो एक खास सितारे के तुलू होने का इंतजार करके उस सितारों को सितारों की परस्तिश अब क्या होता शैतान खुश होता गैरुल्लाह की परस्तिश हो रही ना शैतान मदद करता है नॉर्थ इंडिया में एक नाम बहुत मशहूर है वो है अख्तर अख्तर फुला अख्तर फुला अख्तर फुला अख्तर, फुला अख्तर है साउथ इंडिया में कम है लेकिन यहां पर एक जुमला बोलते हैं निकाह में बार बार सुने होंगे फुला के दुखतरे नेक अख्तर है ना? फुला की दुख्तरे नेक अख्तर अख्तर एक सितारे का नाम है अख्तर एक सितारे का नाम है अब दुख्तर के माने बेटी नेक अख्तर यानी उस सितारे की वजह से ये नेक बनी है उस सितारे ने इसको नेक बनाया है ये उस सितारे की नेक है शिरक है कि नहीं है शिरक है इसलिए आप इस तरह के नाम मत रखो और दुख्तरे नेक अख्तर मत बोला करो ऐसी बहुत सारी बातें अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझ कर कहता हूं अल्लाह हाजिर नहीं अल्लाह नाजिर है अल्लाह को हाजिर समझ के कहना ये कुफरी अकीदा है क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस है नबी ने इस लॉन्डी के ईमान का जायजा लेने के लिए सवाल किया अल्लाह है उसने आसमान की तरफ इशारा करके कहा तब नबी ने कहा मोमिन है जो अल्लाह को हर जगह मानता वो मोमिन नहीं कुफ्री आकीदा है तो बहरहाल खुलासा कलाम यही हुआ कि जादूगर जन्नात को हाजिर करने के जो तरीके हैं हर तरीके में कुफर है शिरक है और जब शिरक और कुफुर कोई करता है जादूगर अब शैतान उसकी मदद करता है अब इसीलिए मैंने शुरू में भी बताया अगर कोई कहता है मैं जिन्नात को कंट्रोल करता हूं जिन्नात मेरे ताबे में है जिन्ना बातें सुनते मेरी मदद करते याद रखो वह इंसान जरूर काफिर हुआ मुशरक हुआ है वरना इंसान और शैतान की अजाली दुश्मनी है शैतान कभी किसी इंसान की मदद नहीं करेगा हाँ जो अच्छे जिन्नात है वो कर सकते हैं गलत कामों में अगर कर रहे हैं तो याद रखो ये गलत काम इससे करवाया है तब जाके ये मदद कर रहा है दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको जादू जिन्नात के असरात से महफूज रखे শিরकिया कुफ्रिया कामों से महफूज रखे आमीन सुभानकल्लाहु हमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लान तस्तगफिरुका तुब तो इलैका सल्लल्लाहु नबिय्या मुहम्मद